हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? थैंक यू सो मच. मेरी पिछली वीडियो थी, वो थी SEO. आप अपना यूट्यूब का वीडियो कैसे रैंक करा सकते हो, मतलब जैसे आपका अगर वीडियो नीचे आ रहा है, आपका वीडियो ऊपर नहीं आ रहा, तो आप अपनी रैंकिंग कैसे करा सकते हो. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर आई बटन पर क्लिक करना, बहुत ही अच्छी डिटेल में समझाया है, ठीक है. तो आज का टॉपिक मैं डायरेक्ट शुरू कर देता हूँ, ऑडियंस रिटेंशन. ऑडियंस रिटेंशन होता क्या है? बहुत लोगों जो नए यूट्यूबर्स हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जो जिन्होंने नया यूट्यूब चैनल खोला है. मेरा बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के साथ है कि आप जल्दी से जल्दी ग्रो करो और 1 लाख सब्सक्राइबर अचीव करो, 10,000 सब्सक्राइबर अचीव करो. और जब अचीव कर लोगे ना, तो जरूर कमेंट में करना कि थैंक यू सो मच भाई, मैंने 10,000 और 1 लाख सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा. तो ऑडियंस रिटेंशन होता क्या है, ठीक है? ऑडियंस रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके व्यूवर्स हैं, वो आपकी वीडियो को कितनी देर तक देख रहे हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो और वॉच टाइम का भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो मैं जरूर उसका नेक्स्ट बता दूंगा. तो सबसे पहले आप ऑडियंस रिटेंशन की बात कर सकते हैं कि ऑडियंस रिटेंशन होता क्या है. दोस्तों देखो, ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाना और ऑडियंस रिटेंशन मतलब कोई भी व्यूवर, जैसे मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ, कितने टाइम तक देख रहा हूँ. ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, वो अपनी वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं, फेसबुक पे शेयर कर देते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर देते हैं. होता क्या है, आपके दोस्त जो है वो वीडियो को ओपन करते हैं और क्लोज कर देते हैं. माना व्यूज तो बढ़ गए आपके, बट ऑडियंस रिटेंशन वो जीरो हो जाती है. ऑडियंस रिटेंशन अगर जीरो होगी तो उसका क्या आपको मतलब बेनिफिट नहीं होगा, क्या लॉस होगा? यूट्यूब को लगेगा, चाहे आपने कितनी मेहनत की होगी अपने वीडियो में, चाहे मतलब अगर आपके वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आने वाले होंगे, वो आएंगे नहीं. यूट्यूब को लगेगा कि कोई ऑडियंस इसकी वीडियो देख ही नहीं रही है, ऑडियंस रिटेंशन इसका कम है. चाहे आपके 2000 से 3000 व्यूज़ हो जाएंगे, बट वो वीडियो आगे नहीं बढ़ पाएगी. आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी जिम लवर्स यूट्यूब चैनल पे, एंडोरा मास्क की, हाउ टू यूज एंडोरा मास्क, उसके 300 के सब्सक्राइबर्स हो गए और वो बढ़ते ही जा रहे हैं. क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि उसकी जो ऑडियंस रिटेंशन है ना, वो ऑडियंस रिटेंशन बहुत ज़्यादा है. क्यों? ऑडियंस रिटेंशन को कैसे बढ़ाते हैं वो भी मैं बताता हूँ. अगर आपको ऑडियंस रिटेंशन क्लियर हो गया ना, ऑडियंस रिटेंशन वो होता है कि अगर कोई व्यूअर आपके YouTube चैनल की YouTube वीडियो पर कितना टाइम स्पेंड करता है, तो वो ऑडियंस रिटेंशन उसे कहते हैं, ठीक है. अब उसको बढ़ाते कहते हैं कैसे हैं? आपने मेरा पिछले वीडियो अगर देखा नहीं होगा ना SEO का, उसमें आपको पता नहीं लगेगा कि कैसे बढ़ाते हैं. चलो मैं आपको उसका रिपीट ही बता देता हूँ, अगर डिटेल में जानना है तो ज़रूर आई बटन पर क्लिक करना और आपको पता लग जाएगा. ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले एक ऐसा टॉपिक चुनना पड़ेगा जिसमें आप क्लियर हो और आप उसमें 10 मिनट्स की वीडियो बना सकते हो. 10 मिनट की वीडियो का ये बेनिफिट होता है गाइस कि मान लो अगर एक बंदे ने 1 मिनट की वीडियो बनाई है और एक बंदे ने 10 मिनट की वीडियो बनाई है, और दोनों का मतलब वॉच टाइम है 50-50%. फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 लाख व्यू आया है 1 मिनट की वीडियो में और 1 लाख व्यू आया 10 मिनट की वीडियो में, दोनों का 50-50% देखा है. एक बंदे ने देखा कि 30 सेकंड 1 लाख लोगों ने देखा है 1 मिनट की वीडियो में, और जो 5 मिनट्स वीडियो देखी है 10 मिनट्स वाले वीडियो में, 5 मिनट्स जो 1 लाख व्यू आया है, तो उसका मतलब ये है, तो उसका जो 10 मिनट्स वाली वीडियो है वो सबसे टॉप पे होगी. चाहे दोनों के व्यूज सेम हो, लेकिन वो दोनों वीडियो में जिसका ज़्यादा वॉच टाइम होगा उसकी वीडियो टॉप पे होगी. तभी तो ऐसे होता है ना कि बाय चांस हमारा जो कंटेंट है बहुत अच्छा होता है, लेकिन कईयों का कंटेंट घटिया भी होता है तब भी उनकी वीडियो वायरल कर जाती है. क्यों? क्योंकि वॉच टाइम ज़्यादा मैटर करता है. और जो स्ट्रीमर्स होते हैं लाइक डायनमो हो गया और बहुत सारे पबजी स्ट्रीमर्स हो गए हैं, उनका क्यों इतना सब्सक्राइबर बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि उनके मतलब गेम तो सेम ही खेल रहे हैं, उन्हें सुपर चैट भी मिल रही है और सब्सक्राइबर भी बढ़ जा रहा है. क्यों सब्सक्राइबर बढ़ रहा है? सब्सक्राइबर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उनका एक टॉपिक है पबजी. पबजी बहुत सारे लोग खेलते हैं, ठीक है. पबजी देखने के लिए बहुत देखते हैं कि हाँ ये देखो हेडशॉट मारेगा डायनमो, ये होगा. इससे क्या होता है, वो स्ट्रीम करता है 2 से 3 घंटे की. 3 घंटे की स्ट्रीम में अगर
एक लाख ऑडियंस ने 1.5 घंटा भी देख लिया ना, उसकी वीडियो वायरल होना पक्का ही है, क्योंकि वो रिकमेंडेशन में आ जाती है वीडियो कि हाँ आप ये वीडियो देखिए, इसमें इसमें दम है। तो ऑडियंस रिटेंशन को अगर आपने बढ़ाना है तो सबसे पहले आप सोशल मीडिया पे शेयर करना बंद करिए। सोशल मीडिया पे अगर आप शेयर करना शुरू कर दोगे तो फिर वही ऑडियंस रिटेंशन कम कर देंगे, आपके दोस्त आपको कह देंगे मैंने पूरी वीडियो देखी, लेकिन वो पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, वो बस क्लिक करेंगे, 5 सेकंड वीडियो देखी, बैक कर देंगे। इससे ऑडियंस रिटेंशन कम हो जाएगा और आपके व्यूज़ भी नहीं आएंगे, फिर आप कहोगे यार मेरे व्यूज़ भी नहीं आ रहे, क्या हो रहा है, और मेरी वीडियो भी वायरल नहीं हो रही, भले मैंने अपना पूरा टाइम लगाया, पूरा जोर लगाया कंटेंट बनाने में, बट मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, क्यों ये प्रॉब्लम हो क्यों नहीं रही, हो क्यों रही है, ठीक है। तो ऑडियंस रिटेंशन पे ध्यान दो गाइस, ठीक है। अब एक और टिप देता हूँ, अपनी इंट्रो भी ना बनाना, ये मैं डिटेल में बताऊंगा क्यों ना बनाना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगा, और सब्सक्राइब हमेशा एंड में बोला करो, क्योंकि जो लास्ट में ऑडियंस बचती है देखने वाली, वही आपकी लॉयल ऑडियंस होती है। लॉयल ऑडियंस मतलब वही आपके साथ होती है, वही कुछ सीखना चाहती है। कुछ लोग आते हैं हाँ हाँ मेरी ऑडियंस रिटेंशन बढ़ जाएगी थी, 1 मिनट की वीडियो देखी फिर स्वाइप करके दूसरी वीडियो देखने लग जाते हैं, वो उस पर ध्यान नहीं देते जो वीडियो देखते हैं। सो गाइस यही मेरी टिप थी आज की कि ऑडियंस रिटेंशन क्या होती है और ऑडियंस रिटेंशन को कैसे बढ़ाया जाता है। सो गाइस अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा क्या क्या प्रॉब्लम आती है, मैं आपकी सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।